उत्तर प्रदेश के किसानों का आज दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन है। किसानों ने शुक्रवार को नोएडा से होते हुए दिल्ली से पैदल कूच किया था। जमीन अधिग्रहण में उचित मुआवजा दिए जाने की मांग को लेकर किसानों ने आंदोलन किया है। बताया जा रहा है कि किसान दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास को घेरने की धमकी भी दे रहे हैं, जिसे देखते हुए पुलिस ने कड़े इंतजाम किए हैं। आपको बता दें कि किसान अगले एक हफ्ते तक के लिए दिल्ली में ही डेरा जमा कर बैठेंगे। दिल्ली के जंतर मंतर में शनिवार से उनका धरना प्रदर्शन शुरू होगा। इस दौरान किसान प्रदर्शन के कई तरीके अपना सकते हैं। किसान नेताओं की तरफ से धमकी दी जा रही है कि अगर उनकी मांगों को नहीं माना गया तो प्रदर्शन को और तेजी से आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल सरकार की तरफ से किसानों की इन मांगों पर किसी भी तरीके का कोई रिएक्शन नहीं आया है। सैकड़ों किसानों का हुजूम शुक्रवार शाम को नोएडा से होते हुए गुजरा। इस दौरान कुछ घंटों के लिए नोएडा थम सा गया। दिल्ली जाने वाले सबसे व्यस्त रास्ते डीएनडी को बंद करना पड़ा, जिसकी वजह से कई घंटों तक लोगों को भारी जाम का सामना करना पड़ा। नोएडा से दिल्ली जाने वाली सड़कों पर पुलिस की कई गाड़ियों और आला अधिकारी मौजूद दिखे। यूपी के मंडोला के कई गांवों के किसान पिछले कई महीनों से आवास विकास परिषद की मंडोला विहार योजना का विरोध कर रहे हैं। वहीं टप्पल के किसान भी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। शुक्रवार को पेश हुए बजट में छोटे किसानों को 17 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से 6000 सालाना रुपए देने का ऐलान किया गया, जिसका विपक्षी पार्टियों ने जमकर विरोध किया। इसे किसानों के साथ छलावा बताया जा रहा है। अब ऐसे में राजधानी में चल रहे इस आंदोलन में विपक्षी पार्टियों के नेताओं का जमावड़ा भी नजर आ सकता है। किसानों के मंच से भी केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, बीएचबीसी न्यूज़।